सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की। आज का लीलामृतम पाठ हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री प्रभु जी का एक भजन, उसके बाद आगे प्रारंभ करते हैं। मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ, मेरी अखियां प्यासी हैं दर्शन प्रभु दे जाओ, मेरी अखियां प्यासी हैं दर्शन प्रभु दे जाओ, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ, मेरी अखियां प्यासी हैं दर्शन प्रभु दे जाओ। करुणा सिंधु प्रभु कहलाते हो, करुणा सिंधु प्रभु कहलाते हो, तेरे करें तुम तुरत आते हो, आते हो, नेपाल वासी प्रभु तुम माधारे, नेपाल वासी प्रभु तुम माधारे, तुम बिन कौन सहाय हमारे, तुम बिन कौन सहाय हमारे, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले जप ध्यान जानू ना गलती ना मेरी, जप ध्यान जानू ना गलती ना मेरी, भाव में
अब करो ना प्रभु देरी। भव में फंसा अब करो ना प्रभु देरी। आकर के मुझको राह दिखा दो, आकर के मुझको राह दिखा दो। मंजिल जो चाहो उसमें बढ़ा दो, मंजिल जो चाहो उसमें बढ़ा दो। मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ। बालक मैं तेरा तुम प्यारे प्रभु जी, बालक मैं तेरा तुम प्यारे प्रभु जी। पास बुला लो अब देर ना करो जी, पास बुला अब देर ना करो जी। श्वासों की माला तेरे नाम की है, श्वासों की माला तेरे नाम की। तन मन बसे मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ। मेरी आँखियाँ प्यासी दर्शन प्रभु दे जाओ, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ, मेरे प्रभु जी चले आओ, मेरे सतगुरु चले आओ। प्रभु जी प्रभु जी हरि हरि ओ, सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओ। प्रभु जी प्रभु जी हरि हरि ओ, सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओ। हरि हरि ओ, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि।
सतगुरु सतगुरु हरि हरि हो। प्रभु जी हरि हरि हो। सतगुरु हरि हरि हो। हरि हरि हो हरि हरि हो। हरि हरि हो हरि हरि हो। प्रभु जी हरि हरि हो। सतगुरु हरि हरि हो। प्रभु जी हरि हरि हो। सतगुरु हरि हरि हो। तो आज का लीलामृतम प्रारंभ करते हुए पिछले अध्याय में हमने देखा कि श्री प्रभु जी ने किस तरह से समाई में सिद्ध गुफा का निर्माण कराया, उसको अपनी तपोभूमि बनाकर प्रभु जी ने उसके कण कण में शक्ति का वरदान दिया। उस गुफा के आज भी हम लोग दर्शन करते हैं। समाई ये आगरा के पास अपनाथपुर के पास श्री सिद्ध गुफा समाई है बरहन रोड पर, और इस पर श्री प्रभु जी ने तालाब बनवाया। वो तालाब कदाचित बीच में सूख गया, खत्म हो गया, खेत भी आ गए, लेकिन उसका पुनरुद्धार करवाया श्री माता जी ने। लेकिन कहने का अभिप्राय ये, सिद्धों के सिद्ध महासिद्ध हमारे श्री प्रभु जी वहां रहे और इस स्थान को एक सिद्ध स्थान बनाया। उसमें आज भी लोग दर्शन करते हैं और श्रद्धा से जो वहां की रज प्रसाद को ग्रहण करता है उसके कार्य आज भी पूरे होते हैं। इससे आगे की घटना, प्रभु जी उस गुफा से चले गए और वहां से, क्योंकि प्रभु जी को बहुत सारे काम करने थे, उसके आगे प्रभु जी क्या करते हैं, आगे घटना आ जाए। विचरण करते नाथ जी पहुंचे काशी धाम, प्रभु चरणों में एक दिन आया भक्त जय राम। मुख सुगति मन आकुलाया, तन मन में भय उसके छाया। पढ़े चरणों में विनय उचारी, रक्षा करो हे नाथ त्रिपुरारी। विपदा सर पर कठिन भयानी, बस नहीं मेरे नाथ टलानी। प्रभु अपराध बिगट अति मोरा, है नहीं क्षम्य नाथ अग घोरा। बाम मारगी अति अन्यायी, करते सब कुकर्म दुष्टाई। मथुरा से जब काशी आया, इन दोस्तों ने मुझे फसाया। चक्र भैर भी यहाँ लगाते, मदिरा माननी सब खाते। लज्जा हर नीच व्यभिचारी, हो ये कलंकित जहाँ पे नारी। प्रभु शादी अब हुई हमारी, जान गए सब व्यभिचारी। कहते अब क्यों इकले आओ, साथ में अब
पानी पत्नी लाओ, अगर करी कुछ आना खानी, विपदा हो जी बिकट उठानी, शरण आप की प्रभु में आया, रक्षा करो नाथ कर दाया, संकट में हरि नाव हमारी, लज्जा शील दाव परसाई। तो ये जो जयराम श्री प्रभु जी को हरिद्वार में मिला था, और ये प्रभु जी के पिताजी के शिष्य थे, प्रभु जी के साथ लगातार रहे, मथुरा तक में रहे, प्रभु जी ने इसके पेड़े खाने की लत छुटाई, फिर प्रभु जी वहां से अकेले विचरण करते हुए सवाई आए, जयराम अपने घर की ओर चला गया कुछ समय के लिए। और जैसे ही प्रभु जी सवाई से जब काशी पहुंचे, तो ये जयराम फिर प्रभु जी के चरणों में आ गया, और फिर क्या बोलता है कि प्रभु जी मैंने भी बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब मैं फंस गया हूं, तो कृपा करके मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। प्रभु जी ने बोला भाई क्या बात है, क्या इशू हुआ? तो इसने पूरा अपना वृतांत बताया कि ये वहां पर कुछ तांत्रिक लोग जो काशी में थे, जो भैरवी चक्र की साधना करते थे, उसमें मीन मदिरा सारा शराब भी पीना, मांस खाना, ये सब उसी तंत्र का विधि है, और तरह तरह के कुकर्म भी हैं, ये सारा कुछ वो करता था। तब तक तो करता रहा, इसको शुरू में तो अच्छा लगा होगा, लेकिन बाद में जैसा उन तंत्रिकों का नियम था कि जो शादीशुदा है वो पत्नी के साथ आए, वो लोग भी आते थे, अब इसकी भी शादी हो गई, अब ये घबरा गया, और उन तंत्रकों ने बोला भाई पहले तुम अकेले आते थे, अब पत्नी है तो उसको लेके आओ, नहीं तो तुमको हम तरह तरह के मारक तंत्र करेंगे, तुम्हारे अंग भंग कर देंगे, तुम्हें लाना ही पड़ेगा। ये घबरा गया, इसकी पत्नी भी बहुत घबरा गई, तो ये प्रभु जी के पास पहुंचे कि प्रभु जी हमने देखा है कि उनसे लड़ाई लेकर तो कई लोग अंधे लंगड़े हो जाते हैं उनके तंत्र की मार से, अब आप मेरी इससे रक्षा करो। प्रभु जी तुरंत समझ गए कि गलती तो उसने बहुत सारी की है, लेकिन प्रभु जी को उसकी रक्षा करनी थी। प्रभु जी बोले अच्छा ठीक है, तुमको समय आज कई इन लोगों ने दिया है, तो ठीक है आज तुम शाम को पत्नी को नहीं मुझे लेके चलना। प्रभु जी ने ऐसा कहा। शाम को जयराम जल्दी से ही प्रभु जी के स्थान पर आए, प्रभु जी उनके साथ चल दिए, चलकर उस मकान में पहुंचे जहां सारे तांत्रिक इकट्ठे होकर भैरवी चक्र लगाते थे। तो जैसे ही प्रभु जी मकान के अंदर प्रवेश किया, तो बड़ा अजीब सा हुआ। पहली बात तो वो एक दीपक रख देते हैं बीच में, तंत्र की शक्ति से एक चक्र बनाते हैं, घेरे में सब बैठते हैं। तो जैसे ही प्रभु जी वहां गए, प्रभु जी ने वो खप्पर और दीपक साथ में हाथ से उठा लिया। जैसे ही प्रभु जी ने वो खप्पर और दीपक उठाया, वो सारे के सारे तांत्रिक वहीं के वहीं उसी मुद्रा में बैठे रह गए। वो शक्ति उस खप्पर में थी। प्रभु जी तो सारी विद्याएं सारी शक्तियों का स्रोत हमारे श्री प्रभु जी हैं, तो वो सारे तांत्रिक उसी मुद्रा में बैठे रह गए। ये उनका मुखिया तांत्रिक का जो मुख्य गुरु था, बोला रे भाई कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है, हम लोग अब उठ भी नहीं पा रहे हैं। फिर प्रभु जी बड़े क्रोधित हुए, प्रभु जी ने एक डंडा उठाया और फिर सारे तांत्रिकों की मार लगाना चालू की। सब रोने लगे, प्रभु जी से माफी मांगने लगे। प्रभु जी ने उसके गुरु की और भी ज्यादा ही मार लगाई। प्रभु जी ने कहा देखो ऐसी पवित्र काशी नगरी भगवान शिव की, और तुम लोग इतने नीच कर्म करो,
इससे तुम घोर नरक के भागी होगे। प्रभु जी ने बार बार प्रभु जी ने पिटाई लगाई, वो तांत्रिक ने बार बार क्षमा मांगी, प्रभु जी से बार बार माफी मांगता रहा। उसके बाद उसने प्रभु जी से प्रार्थना की, कसम खाई, शपथ ली कि मैं अब ये वाम मार्ग को छोड़ दूंगा और हरि भजन करूंगा और सात्यों का हार करूंगा। ये सब बार बार प्रभु जी से विनय किया, तब प्रभु जी ने उनका खप्पर लौटाया, तब वो सामान्य स्थिति में आए, उन लोगों ने अपने कपड़े वपड़े पहने। फिर उनका गुरु बोलने लगा कि भगवान अब आपने सब ठीक कर दिया, अब मुझे योगोपदेश दो। प्रभु जी बोले तुम्हारी मन स्थिति योगोपदेश की नहीं है, तुम तो बस अपना हरि भजन करो, काशी नगरी है, जब तुम्हारे मन शुद्ध होंगे अपने आप तुमको उपदेश समझ में आ जाएगा। ऐसा कहके प्रभु जी वहां से आगे चल दिए। आगे से चल के प्रभु जी कहां पहुंचते हैं, विचरण करते आ गए पलिया में एक ग्राम, आसन दीना था लगा देखना तेने श्याम, बैठ नाथ सकल गुण राशी, संग न सुजन ग्राम के पासी। प्रभु ने तब एक दृश्य निहारा, तब संगत को किया इशारा, चिल्ला चीख रही एक नारी, खड़ी देख रही जनता सारी, युवक एक कर रहा पिटाई, थप्पड़ मोष्टिक लात बजाई। बोले प्रभु यह कौन अनारी, पीट रहा जो इस विधि नारी, अत्याचार युवक यह ढावे, सत पुरुषों का धर्म गवावे, कारण क्या कुछ हम बताओ, क्यों मारे यह भेद लगाओ। ग्राम निवासी ने कहा युवक है ये हरि राम, खेती बाड़ी देखता करे कृषि का काम, जिस नारी को नाती युवक रहा है पीट, व्यभिचारिणी महिला बड़ी नीच धूत अरुधीट। तो प्रभु जी काशी से आगे बढ़ते हुए बलिया जिले के एक गांव है, उसका नाम है बसंतपुर। प्रभु जी वहां पहुंचे, बसंतपुर में प्रभु जी ने प्रभु जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। गांव वाले भी आसपास, कोई महात्मा आता था तो गांव वाले आ जाते थे, तो प्रभु जी के आसपास बैठे हुए थे। प्रभु जी ने तभी एक दृश्य देखा कि एक महिला को एक पुरुष काफी पीट रहा है। प्रभु जी ने पूछा, भाई ये तो बहुत गलत काम है, किसी नारी को पीटना, ये क्यों कर रहा है। तब लोगों ने परिचय दिया, प्रभु जी इसका नाम हरि राम है, ये बड़ा ही नेक सदाचारी बालक है हमारे गांव का, और खेती बाड़ी करता है। ये महिला जिसको पीट रही है, पीट रहा है, वो महिला बहुत ही खराब है, दुष्कर्म करती है, और इसके अलावा वो पुलिस के अधिकारियों को सबके साथ में अपना संबंध बना के रखती है, और उनके द्वारा हमको तंग करवाती है। तो हरि राम ठीक ही कर रहा है, उसको ऐसे ही पीटना चाहिए। प्रभु जी ने बोला अच्छा, प्रभु जी बोले अच्छा तो क्या इस हरि राम को बुलाओगे मेरे पास। प्रभु जी के मन में थोड़ी सी दया आ गई कि बड़ा सदाचारी बालक है, इसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा गांव वालों ने बोला। प्रभु जी की बात सुन के गांव वाले उसको ले आए बालक को पकड़ के,
कि कोई महात्मा आए हुए तुमको बुला रहे हैं। तुरंत हरिराम दौड़ते हुए आए, प्रभु जी को प्रणाम किया और प्रभु जी ने बड़े लाड़ से उनको आशीष दिया। फिर प्रभु जी ने उसका मन पढ़ा, प्रभु जी ने कहा बड़ा शुद्ध चरित्र का बालक है। तो प्रभु जी ने बोला अच्छा ये बताओ तुम्हारा जाति कौन सा है। बोला सा ब्राह्मण। तो प्रभु जी बोले देखो ब्राह्मणों के तो धर्म वेद पढ़ते हैं और वेद पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं यज्ञ कराते हैं, दान लेते हैं और दान देते हैं, तो क्या तुम केवल लेने वाले हो कि देने वाले भी हो। तो हरिराम प्रभु जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु जी मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं देना भी जानता हूं, आपकी जो भी इच्छा है वो मुझसे मांग लो, यदि मेरे वश में है तो मैं उसको अवश्य दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, ये धन दौलत सब ये आपकी हुई, यदि आपकी इच्छा है तो ये आपकी सेवा में है। प्रभु जी उसकी ये वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु जी को तो उसकी परीक्षा लेनी थी और तो प्रभु जी उसको क्या बोले, हरि राम की बात सुन मुदित हुए जगदीश, बोले हमको चाहिए युवक तुम्हारा शीश। प्रभु जी ने बोला कि भाई धन दौलत का हम क्या करेंगे, मुझे तो बेटा तुम्हारा सर चाहिए। अब बालक तो बड़ा हैरान परेशान कि एक मिनट में क्या बोल दिया, लेकिन उसको अपना वचन याद आया, बोले कि ठीक प्रभु जी मुझे 3 दिन का समय दो, मैं अपना सर आपको दे दूंगा। प्रभु जी ठीक है दिया। हरिराम जल्दी से गए, अपनी सारी जमीन, वो अकेला लड़का था परिवार में, उसने अपना जमीन अमीन गरीबों को दे दी, घर परिवार भी रिश्तेदारों को दे दिया और 3 दिन बाद हाथ में एक कटार तलवार लेके प्रभु जी के पास पहुंच गए। फिर प्रभु जी के पास बोले यहां मेरा सर मत उतारो, गांव वाले हैं आपको तंग कर देंगे, एकांत में चलते हैं। प्रभु जी बोले हाँ बात तो तुमने ठीक की। प्रभु जी इसको लेके पास नदी बहती थी छोटी सी, उसके किनारे आ गए एकांत में जंगल में। और फिर हरिराम से प्रभु जी बोले कि देखो यदि मैं तुम्हारा सिर काटूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, इसलिए अच्छा तो यही रहेगा कि तुम ही जोर से कटारी अपने सिर पे मार दो और तुम्हारा सिर जब गिर जाएगा मैं उठा लूंगा। बोले ठीक है जी जैसे आपकी आज्ञा। हरिराम ने जैसे ही तलवार लेके बहुत जोर से नीचे लाए, प्रभु जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, तलवार उसकी तोड़ दी और फिर प्रभु जी ने उसको पल भर में ही अजर अमर महासिद्ध बना दिया। प्रभु जी ने उसका बलिदान देखा। जो व्यक्ति इस बात को सोचा जाए कि कोई महात्मा आपके पास आता है जिसको आप जानते भी नहीं हो, आज तो आप जानो ये प्रभु जी हैं तो आप शायद कुछ कर गुजरो, लेकिन जिस महात्मा को जानते भी नहीं उसके लिए पल भर में वो सब कुछ लुटा दिया, अपना जीवन भी लुटा दिया, ऐसा त्याग बलिदान देखकर शुद्ध भावना देखकर प्रभु जी ने भी उसको पल भर में सब कुछ बना दिया, जिसके लिए सैकड़ों बरस सैकड़ों जन्म भी लग जाते हैं वो काम हरिराम का एक पल में कर दिया। प्रभु जी क्या करते हैं, आज्ञा प्रभु की शीश चढ़ाई, पल की देरी नहीं लगाई, बार शीश था पढ़ने तभी प्रभु ने हाथ संभाला, छीनी कर से तभी कटारी टुकड़े कर दी भू पर डारी, योग योग तो थे कृपा निधानी, गाड़ी प्रीत भा की जानी,
पर एक शब्द इस्तेमाल किया है योग युक्त। जब प्रभु जी महासिद्ध सिद्ध कोई भी अपने अलौकिक कार्य किया करते हैं तो योग युक्त हो जाया करते हैं, अपनी अपनी योग अवस्था में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी योग युक्त होकर ही गीता की वाणी निकली, और अर्जुन ने जब दोबारा सुनाने के लिए बोला तो भगवान ने बोला नहीं, अब मैं नहीं सुना सकता, वो योग युक्त तो उस सदगुरु की वाणी थी। इसी तरह प्रभु जी उस समय योग युक्त थे और प्रभु जी ने उसको सारा कुछ दे दिया। सकल सिद्धियां तभी लुटाई, क्षण में निधि सिद्ध की पाई, और भर प्रेम कंठ से लाया, आशीष प्रभु ने अटल सुनाया, काल जही तुम सिद्ध बनोगे, योगियों में प्रसिद्ध सहोगे, तुम सा त्यागी तुम सा दानी, निर्भय निरमल भक्त अमानी, सदा प्रभु के मन को भाता, गति उच्च ज्योतिर्मय पाता, सदा निरंतर अब तुझे रहे समाधि ध्यान, सिद्धों में होगा तेरा बहुत उच्च स्थान, प्रभु से पाए भक्ति वो अटल दिव्य वरदान, अक्षर सह सब सच हुए प्रभु के वचन महान, निकट धाम कैलाश सुहाया, शीशा गिरी एक गिरी बताया, चले वहां पर पवन बिसैली, निर्जन धाम बर्फ कुल फैली, योगी हो कोई उस तक जावे, संसारी कोई जा नहीं पावे, प्रभु जी उनको वहीं बिठाए, योगी सिद्ध समाधि लाए, तीन मास को सांस चढ़ावे, कुछ मिनटों को तब उठ जावे, प्रभु जी से निज शक्ति पाते, थूल रूप हर लोक में जाते, वचन सत्य हुए प्रभु के सारे, महासिद्ध बन गए दुलारे। तो प्रभु जी की असीम कृपा हुई और हरि राम से वो हरि हरानंद बन गए, और प्रभु जी कृपा से उनका ये स्थूल शरीर भी दिव्य बन गया। वो स्थूल रूप से ही ये शरीर जो हमारा है ये क्षण क्षण बदलने वाला है, उनका शरीर दिव्य देवताओं का शरीर बन गया, और वो उसी शरीर से दिव्य लोकों में जा सकते थे, जाते थे, जाते हैं। और नेपाल में ही एक स्थान है शीशागिरी, जहां पर प्रभु जी उनको बिठाया था, तीन तीन महीने की समाधि लगाते थे, तीन महीने बाद फिर उठते कुछ समय के लिए, फिर बैठ जाते। हरिहरानंद जी को देखने के लिए कई बार लोग गए, यहां से भी कोशिश करी, कई लोगों ने बताया कि वहां बहुत विषैली हवाएं चलती हैं,
बहुत घनघोर जंगल है और वहां पर पहाड़ी तक पहुंचना संभव है। शरीर की स्किन फटने लगती है, इतनी तेज हवा चलती है। तरह तरह की बातें वहां की उनके बारे में बोली गई। गांव वाले भी बोले कि हाँ, एक महात्मा रहते हैं ऊपर पहाड़ी पर, बड़ा सा पत्थर लगा के रखते हैं, वो केवल वही हटा सकते हैं, हम लोगों के लिए संभव नहीं। वो कभी कभी उठते हैं, पत्थर खुद हटा के बाहर आते हैं। इस तरह से हरिहरानंद जी आज भी अजर अमर सिद्ध हैं। प्रभु जी कृपा से वो दिव्य लोक लोकांतर में जाते हैं, महासिद्ध हैं। प्रभु जी की पूर्ण कृपा उन पर है। उनके साथ में प्रभु जी की बहुत सी यात्रा में घटनाएं हुई, वो आगे की उसमें वृतांत में आएगी। और इस तरह से हरिहरानंद जी की जब स्थिति हुई, उनको साथ लेकर प्रभु जी आगे बढ़े और आगे घटना क्या होती है वो बताते हैं। प्रभु जी उनको लेके बलिया से आगे चलते चलते प्रभु जी नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे। नर्मदा नदी के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा लोग रहा करते थे पहले, तो उनका झुंड लगा हुआ था। प्रभु जी के पास वो आ गए। प्रभु जी उनके साथ साथ उनको साथ में लेके हुए आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए प्रभु जी एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। नर्मदा के किनारे किनारे प्रभु जी चलते जा रहे थे जंगलों में, तो वहां पर एक निर्जन स्थान पर एक भव्य मंदिर था। मंदिर एकांत में था, सुनसान था, शिव मंदिर था, तो हालत बड़ी अस्त व्यस्त थी। प्रभु जी ने सबको बोला कि चलो आज यहीं पर हम विश्राम करते हैं। जैसे ही प्रभु जी ने वहां बोला तो गांव वाले आसपास आए, बोले कि देखिए ये शिव जी का मंदिर है, लेकिन यहां जो ठिकाना करता है, जो रुक जाता है, उसको प्राण गंवाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ भूत प्रेतों की भरमार है। जो रात्रि को जो भी यहाँ रुकता है उसको मार देते हैं। आप लोग 15-20 लोग भीड़ जाता है, इतनी लकड़ियों की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कृपा करके यहां से चले जाइए, नहीं तो यदि आप सबको मार दिया तो हमारी बस्ती पे भार पड़ेगा, आप लोग महात्मा लोग हो। तो क्या बोलते हैं वो, निशिना होता नित्य है प्रेतों का उत्पात, बच कोई पाता है नहीं मारे मार के घात। हमको होता कष्ट है मरे यहाँ नर नार, करना पड़ता है हमें उनका दाह संस्कार। एक दो हो तो कम कठिनाई, ईदन करें खटालाई, चिता बनाकर उन्हें जलावे, हम जन अपना धर्म निभावे। मगर आज जो संख्या भारी, संग भी सियों है तपधारी, विशेष वाहित लकड़ी लाना, होए असंभव चिता जलाना। कोई सन्यासी कोई बैरागी, धर्म धुरंधर कोई ग्रह त्यागी, नर संघार यहाँ हो बस्ती भारी, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ, आसन अपने सभी उठाओ। प्रभु राम लाला योग लीला अमृत धाम,
तो गांव वालों ने बार बार समझाया कि भाई यहाँ मत रुको। प्रभु जी ने कहा देखो तुमने अपना धर्म निभा दिया, तुम निश्चिंत होके जाओ, तुम पर कोई भार नहीं लगेगा, हम तो यहीं पर आसन ले लगाएंगे। तो गांव वाले सोचे कि देखो जिसकी मरने का वक्त आ जाता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, लगता है महात्मा लोग मानेंगे नहीं, हट करके रुकेंगे और रात को सब मारे जाएंगे। ऐसा बड़ा अफसोस मनाते हुए गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। अब प्रभु जी वहां पर रुक गए और सभी लोगों को बोला अपना अपना आसन लगाओ। और उधर गांव वाले सुबह उठे, उनके मन में आया चलो देखते हैं कौन कौन मर गया, लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुबह वो लोग आए, उन्होंने देखा कि बड़ा सकुशल सभी लोग बैठे हुए हैं, बड़े कुशल क्षेम पूछी, बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु जी से पूछा रात आपकी ठीक निकली? प्रभु जी बोले बिल्कुल। तब प्रभु जी ने ऐलान किया, प्रभु जी ने खुद तब किया जनता में ऐलान, मंदिर में अब ना रहे भूत प्रेत शैतान, वातावरण पवित्र अब हो गया सभी प्रकार, बन गया पावन धाम ये बोले लीलाधार। तो इस तरह से प्रभु जी ने कहा देखो जो अभी तक हुआ वो हुआ, आज से पवित्र स्थान बन गया, तुम इस मंदिर को पवित्र रखो, पंडित को रखो, पुजारी को रखो और अपना निष्फिक्र रहना है ना, यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत नहीं आएगा। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, गांव वालों ने मंदिर का दोबारा से उद्घाटन कराया, नगर सेठ आया, उसने वहां पर भंडारा कराया और प्रभु जी को बोले कि आप यहीं रुक जाओ। प्रभु जी बोले नहीं, तुमने सुंदर मंदिर बनवाया है, शिव अम्बा की यहाँ पे आरती करो, उनकी सेवा करो और अपना पुण्य कमाओ, हमें आगे जाना है। ऐसा कहके प्रभु जी वहां से आगे चल दिए और चलते चलते जंगलों में प्रभु जी ने जब रात्रि का स्थान हुआ तो प्रभु जी ने एक बड़ा सा पेड़ देखा, बरगद का वृक्ष देखा, चबूतरा था लंबा चौड़ा। प्रभु जी ने कहा चलो यहीं पर आसन डालते हैं सभी, सभी ने वहां आसन डाल दिए। फिर वहां पर गांव के लोग आए, बोलते हैं प्रभु जी यहां पर मत रुको, यहां पर भी भूत प्रेत जबरदस्त हैं, जब भी कोई रुकता है वो मारा जाता है, आप कृपया मत यहां रुको, आपको विश्वास नहीं हो तो और लोगों से पूछ लो, यहां तो कई आने जाने वाले नागरिक मारे जाते हैं, आए दिन की घटना है, आप कृपया यहां मत रुको, थोड़ा दूर जाके रुक लो। प्रभु जी से ऐसा कहके गांव वाले चले गए। प्रभु जी के साथ के महात्मा थोड़ा डर गए अब की बार सुन के, बोले कि पहले तो रिस्क लिया था फिर रिस्क लेना ठीक नहीं। उन महात्माओं की बुद्धि में आया कि क्यों ना भाई यदि ये हट कर रहे हैं इनको रुकने तो हम थोड़ा दूर जाके रुकते हैं। तो बाकी के महात्मा जो थे वो थोड़ा सा दूरी पर, एक फरलांग की दूरी पर दूसरे पेड़ के नीचे रुक गए, आसन लगा लिए और प्रभु जी और हरिहरानंद जी इसी बरगद के नीचे रुक गए। जैसे अंधेरा हुआ, रात्रि का 7-8 बजे का समय था, बड़ा जोर जोर से चिल्लाने की रोने की आवाज आने लगी एक फरलांग दूरी से। भूत प्रेत जितने भी थे वो उन महात्माओं की जबरदस्त पिटाई कर रहे थे। प्रभु जी ने तुरंत हरिहरानंद जी को बोला कि जाओ बेटा जल्दी से दौड़ के जाओ, उन महात्माओं की जान बचाओ। बोले हमें क्या करना? बोले कुछ नहीं करना, तुम बस खड़े हो जाना। हरिहरानंद जी यदि दौड़ कर गए, जैसे वो पेड़ के नीचे खड़े हुए सारा उपद्रव शांत हो गया, वो महात्मा सब राजी हो गए, शांत हो गए। फिर वो दौड़ते हुए प्रभु जी के पास आए, उनके चरणों में माफी मांगी कि देखो पेड़ तो ये खराब था लेकिन दूरी पे गए तो सारा मुसीबत मरी हमें हम लोगों को मिल गई। तो प्रभु जी की कृपा से वो स्थान भी पवित्र हो गया और भूत प्रेत भी वहां सब शांत हो गए। गांव वालों ने भी बड़ा आनंद मनाया कि चलो इस बाधा से प्रभु जी ने मुक्ति दिलाई। ऐसा करके प्रभु जी वहां से फिर आगे चले।
अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो वहां पर एक सेठ ने बोला कि ठीक है भाई, आपने पहले भी मंदिर शुद्ध कराया, ये भी कराया, तो एक भंडारा आयोजित कराया। तो भंडारा के होने तक प्रभु जी वहां रुके थे। तो भंडारा जब हुआ तो वहां पर एक महात्मा था जो भंडारा खंडित करता था। तो वो जैसे ही खाना परोसने जाने लगा तो वो महात्मा आ गया, खप्पर आने करके बोले पहले मेरे खप्पर को भर दो। उसके खप्पर में शक्ति थी, कितना भी उसमें अन्न डालो वो भरता नहीं था। पहले हरियानंद जी गए, उन्होंने हाथ जोड़ के महात्मा से कहा कि महात्मा जी आप विघ्न मत लाओ, ये काम सुचारू चलने दो, आप चले जाओ कहीं और। वो गाली गलौज करने लगा, अरे भाई मैं बैठा हूं तब लेके ही जाऊंगा, शक्ति है तो भर दे। बार बार ये करने पर हरिहरानंद जी ने एक छोटी सी लुटिया उठाई और वो जो खीर एक लुटिया में भरी उसे खप्पर में डालना चालू किया। इधर लुटिया से खीर लगातार आती रही, उधर खप्पर कभी भरता ही नहीं था, न लुटिया खाली होती थी। तो ये खेल जो है 15-20 मिनट चला। हरिहरानंद जी ने देखा कि ये ऐसे मानेगा नहीं और ऐसे ही ये विघ्न करता रहेगा। हरिहरानंद जी तो ठहरे महासिद्ध, उन्होंने उसकी छोटी जो शक्ति थी वो खींच ली, शक्ति खींची तो उसका खप्पर की शक्ति खत्म और वो उसका खीर से खप्पर भर गया, लुटिया भी भरी हुई थी। महात्मा जोर जोर से दाड़ मार के रोने लगा कि मेरी शक्ति लूट ली, मेरी शक्ति लूट ली। तो शोर सुन के प्रभु जी के पास उनको लाया गया। जैसे ही प्रभु जी के सामने लाया गया तो गांव वाले भी आ गए, बोले कि देखो इसको आप शक्ति मत देना, इसने बड़ा तंग कर रखा हम लोगों को, जब भी भंडारा होता है तभी ये आ जाता है और ये हमारा भंडारा जो है खंडित कर देता है। तो ये बात जब प्रभु जी ने सुनी, प्रभु जी ने कहा तुम महात्मा होके तुम ऐसा काम करते हो, ये तो उचित नहीं, तुम्हें शक्ति वापिस नहीं दी जाएगी। तो बार बार प्रभु जी से रुदन करने लगा कि प्रभु जी मैंने किसी को मारा तो है नहीं, हाँ मेरा अहंकार था, गलती थी, मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ, ये मैं कभी नहीं करूंगा और मैं इस क्षेत्र छोड़ के भी जाता हूँ। बार बार प्रभु जी से अनुरोध किया, प्रभु जी ने उसको उपदेश दिया कि देखो तुम महात्मा हो, महात्माओं का वृत्ति धारण करो। और प्रभु जी ने उसको वो शक्ति वापिस लौटा दी और वो महात्मा वहां से एकांत में चला गया। उसके बाद प्रभु जी आगे चल दिए। आगे क्या होता है, आएंगे एक ठिकाना पाकर बैठे आसन वहां लगा कर, ती आज्ञा हरि हरि को पाई अग्निला अब कहीं से जाई, प्रभु का बाल कहां से आया, इस साधु का आसन पाया, भूना लगा हुआ था भारी अग्नि दहती वहां निहारी, हरि हर जी वहां पहुंचे जाई, ती धूनी से आग उठाई, बोला तभी वहां ब्रह्मचारी जुलम किया यह तुमने भाई, सख्त मना यहाँ इस विधि आना, इस धूने से आगे उठाना, जिसने भी यह आज्ञा टाली दे
देव दंड गुरु मम भारी, अगर अपना भला तुम चाहो अग्नि वापस यही गिराओ, होगा वरना कष्ट उठाना मुश्किल हो फिर तुम्हें बचाना। दया नहीं गुरुदेव जी खावे, अंग भंग कर तुझे सतावे, अंधा कोड़ी लंगड़ा दूला करे घात भीषण प्रतिकूला। ब्रह्मचारी की बात पर दिया नहीं कुछ ध्यान, अग्नि ले ज्यों ही चले हरिहर आनंद सुजान। तो प्रभु जी आगे रुके, प्रभु जी बोले कि कुछ अग्नि लेके आओ। हरिहर आनंद जी ने पास में एक धुना जलता हुआ पाया, उन्होंने वहां से थोड़ी सी आग निकाली धुने से। जैसी निकाली एक ब्रह्मचारी आया, बोलते कि अरे नहीं, ये आग आपने गलत उठा ली, तुरंत रख दो वापिस, हमारे गुरुदेव आने वाले होंगे, बड़े क्रोधित स्वभाव के हैं और यदि उन्होंने देख लिया तो अंग भंग कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, कई लोगों को उनके श्राप लग चुके हैं क्षेत्र में, तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तुम तुरंत इसको गिरा दो। हरिहरानंद जी तो निडर थे, महासिद्ध, उनको क्या किस बात का डर, वो अपना आग लेके चल दिए। जैसे ही वो दो कदम आगे बढ़े, वो महात्मा ने देख लिया, वो महात्मा अपने लुटिया पानी से भरे हुआ था जल से, उसमें मंत्र पढ़ते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। उसने हाथ में आचमन करके वो जल फेंकना था हरिहरानंद जी को, जिससे इन पर कुछ श्राप लगे। हरिहरानंद जी को प्रभु जी की प्रेरणा से ये भान हुआ कि शरीर की शक्ति लुटिया में है, पानी में है, इस समय मंत्र पढ़ रहा है। वो लपक के वो लोटा उस महात्मा से छीन लिए, लोटा छीन कर तेजी से प्रभु जी के पास आ गए। पीछे वो रोता रोता महात्मा भी आ गया, बोले मेरे जीवन भर की कमाई इस आपके इस ब्रह्मचारी ने लूट ली। बार बार रोने लगा, उसका रोना सुन आसपास के बहुत सारे लोग आ गए। लोग बड़े क्रोधित थे, डंडे लाठी लेके भी आ गए, बोले ये महात्मा तो बहुत बदमाश, इसने तो कई लोगों के को लंगड़ा किया, अंधा बनाया, कुष्ठी किया, इसको तो आज हम जम के इसकी खबर लेंगे, बदला लेंगे, इस पर बड़ी शक्ति थी, हम डरते थे, अब लगता शक्ति आपने छीन ली, अब इसको मैं ठीक करते हैं हम लोग। प्रभु जी ने बीच बचाव किया, प्रभु जी बोले देखो महात्माओं को मारने का ये बात एकदम गलत, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु जी ने सारी बातें सुनी, उसने महात्मा ने क्षेत्र में क्या क्या किया वो सारी बातें सुनी। प्रभु जी बड़े दुखी हुए, उस महात्मा को बहुत फटकार लगाई, महात्मा बार बार माफी मांगता रहा। प्रभु जी ने कहा कि देखो सारा जीवन तुमने तप करके मात्र छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त की, उन सिद्धियों से तुमने लोगों को वर श्राप दिए, तुम तो घोर नरक के भागी हो गए, क्योंकि जिन जिन को तुमने कष्ट पहुंचाया वो सारे पाप तुमको लगे हैं। प्रभु जी ने कहा देखो इतना वृद्ध होने के बाद भी इतनी क्रोधी वृत्ति तुम्हें, तुम्हारे अंदर तो साधु वृत्ति है ही नहीं, तुमको तो सिद्धियां हरगिज नहीं मिल सकती, तुम यदि मेरी मानो तो हरि के भजन में अपना मन लगाओ, मन में प्रेम कमाओ, ये क्रोध को छोड़ो। ऐसे प्रभु जी ने उपदेश दिया, उस महात्मा को एकांत में जंगल में भेज दिया और ऐसा करके प्रभु जी वहां से आगे चले। और वहां पर क्या होता है वो सुनते हैं। चलते चलते आ गए प्रभु जी एक शुभ स्थान, डेरे डाले थे वहां
जगह मनोहर जाना। दंपति किए वहाँ एक वासा, सुखद तीर सरिता के पासा। एक दिन वे दोनों वहाँ पर आए, आसन प्रभु वर जहाँ सुहाए। तज कर दोनों लोग गृहस्थी, बने ते सजन वे बन प्रस्थी। पति देवा और उसकी नारी भी ज्ञानी पूर्ण बड़े दुभारी। शास्त्र ज्ञान दोनों बहुविधि पाए, विद्वानों में दीख कहाए। तर्क वितर्क किया आजारी, चर्चा थी वेदांत की सारी। प्रभु भक्त मुख राम हूँ ज्ञानी, साथ में आरती मानी। तब दंडी ने तर्क लगाया, मगर जीत फिर भी ना पाया। दंडी और मकुराम जब गए थे दोनों हार, और दंडी की प्रेरणा दीने तब करतार। यहाँ एक बात है कि नर्मदा किनारे चलते चलते प्रभु जी के स्थान पहुंचे, एक छोटे से गांव, वहां पर एक गृहस्थ रहते थे पति पत्नी। वो गृहस्थी छोड़कर वानप्रस्थ बन गए, बन के सन्यासी बन गए। दोनों बड़े विद्वान थे, बहुत सारा ज्ञान वेदों का, ऋचाओं का, सबका उनको था। ज्ञान भी आदमी के अंदर अहंकार पैदा करता है, और वो अहंकार के वजह से वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। तो यही इनकी हालत थी। ये दोनों पति पत्नी बहुत ज्ञानी थे, तर्क वितर्क बहुत किया करते थे, शास्त्रों के मत से तरह तरह से बातों का विवेचना विवरण किया करते थे। तो ये इन्होंने, इनके अंदर जो ज्ञानियों के अंदर हमेशा भूख रहती है कि वो किसी के साथ जाएं और थोड़ा तर्क वितर्क करें और अपने को सिद्ध करें कि वो उनसे बड़े ज्ञानी हैं, ये ज्ञानियों की समस्या है। तो ये भी गए, प्रभु जी के पास आ गए, फिर तर्क वितर्क करना प्रारंभ किया। पहले मुखराम प्रभु जी के बच्चे थे, उन्होंने उनको जवाब दिए, वो भी बेचारे हार गए, क्या क्या जवाब दें। उसके बाद दंडी स्वामी, वो भी आगे तर्क में ज्यादा दे नहीं पाए। तो प्रभु जी ने दंडी स्वामी को प्रेरणा कर दी। दंडी स्वामी ने यही बात बोली कि ये जो ज्ञान प्राप्त किया है, क्या तुमने इसी ज्ञान को अनुभव किया? तुम पानी पानी बोलते रहो, क्या पानी जब तक पियोगी नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी? प्यास पीने का मतलब है उसको अनुभव में उतारना, उस ज्ञान को। क्या तुमने अनुभव किया? इस तरह से उन्होंने सारे उस तर्कों में जो जो वो विद्वान पति पत्नी तर्क दे रहे थे, दंडी स्वामी ने बोला, अच्छा इस अनुभव का मतलब बताओ, इसका अनुभव कैसा होता है बताओ। तो अनुभवी थे नहीं, वो तो मात्र किताबों के रटने वाले ज्ञानी थे, जो वेदशालाओं में, पाठशालाओं में हम लोग किताब पढ़ते उस तरह से था। तो जब ये सुना कि इसका अनुभव का ज्ञान क्या है, अनुभव का, उन अनुभव के बारे में बताएं, तो वो निरुत्तर हो गए। और निरुत्तर होने के बाद में तब उनको दंडी स्वामी ने उपदेश दिया कि देखो, योग विद्या है जिसके द्वारा जो पढ़ा है उसको अनुभव में ला सकते हैं, और उसको अनुभव से हम
आगे सीख सकते हैं। अनुभव का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होता। तो इस तरह से ये कार्य वहां प्रारंभ खत्म हुआ। लास्ट में वो क्या बोले, दंडी ने उत्तर दिया, सरल सीखना ज्ञान, अनुभव पर उस ज्ञान का करना कठिन महान। ज्ञान का अनुभव होए तब जीव करे जब योग, योग होए जब भाग्य से मिले सिद्ध संयोग। तो इस घटना के बाद उन पति पत्नी को यह अनुभव हुआ कि जो गर्व में जो घमंड में वो रहा करते थे कि उनको वेदों का इनका ज्ञान बड़ा उच्च है, उस दिन पहली बार उनको अनुभव हुआ उस ज्ञान का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। और इसके लिए योग मार्ग में चलने के लिए प्रभु जी से उपदेश लिया और प्रभु जी से उपदेश लेके वो वहां से चल दिए। आगे की घटना क्या होती है, अभी हम पहुंच गए मास प्राण 15वां विश्राम पर, आगे घटना हम कल विवरण करेंगे। प्रभु जी नारायण सदगुरु नारायण, प्रभु जी नारायण सदगुरु नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण सदगुरु गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, सदगुरु नारायण प्रभु जी नारायण, प्रभु जी नारायण सदगुरु नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण सदगुरु नारायण, प्रभु जी नारायण सदगुरु नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण भाइयों को जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की। और अगले अगला प्रभु जी का व्याख्यान हम कल करते हैं लीलामृतम के माध्यम से। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।